यस क्या चैनल रॉजर विकी जिसका कैमरा मैंने यूज किया था मेरे पूरे लद्दाख ट्रिप पे, अभी भी मैं उसका यूज कर रहा था। तो थैंक यू सो मच ऋषि फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स रॉबिन, अभिषेक, निखिल और बहुत है यार, अगर मैं देखो नाम तो भूल रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन जो लोगों ने मुझे ज्यादा सपोर्ट किया इस राइड के लिए उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। माई गन सिंगर्स फैमिली, नाजी, सुयोग, शोएब, सचिन, ईच वन ऑफ यू, रोहित, थैंक यू सो मच गाइज। और अब बात करते हैं मेरे लद्दाख की वीडियोस के बारे में। सी पर्सनली आई एम नॉट हैप्पी विद माय वीडियो, जिस लेवल पे मेरा वीडियो होना चाहिए था लद्दाख का उस लेवल पे तो नहीं है, बट फिर भी मैंने कैसे कैसे तो मैनेज किया, लॉस्ट माय गोप्रो और उस टाइम पे भी मैं थोड़ा अलग इसमें चल रहा था, मेरा अलग टेंशन में मैं चल रहा था कि यार क्या होगा, वीडियोज कैसे मैं बनाऊंगा, क्या करूँगा कैसे नहीं, तो यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए मेरे राइड के टाइम पे। थैंक यू विवेक फॉर गिविंग योर गोप्रो, तो विवेक के गोप्रो से मैंने सारा मेरा लद्दाख राइड मैंने यू नो शूट किया। सो यार थैंक यू सो मच। और अगर आपने वो 1000 किलोमीटर इन अ डे वी हैव कवर्ड ऑन अवर क्लासिक 350, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो उसके पहले वाला वीडियो। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद द खर्चा ऑफ द लद्दाख राइड। अब देखिए खर्चा ऐसा है, ये मेरा पर्सनल खर्चा हुआ है, ऐसा नहीं कि इतना मिनिमम लगने वाला है। मिनिमम खर्चा अगर देखा जाए तो जो बाइकर्स स्पॉट राहुल राव, मेरे कुछ एक हफ्ते बाद उसने भी राइड स्टार्ट किया था, तो उसका खर्चा कितना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और मेरा खर्चा कितना है वो भी बता दूंगा, डिफरेंस इतना क्यों आया वो भी मैं बता दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द पेट्रोल कॉस्ट। मैं जहाँ जहाँ पे मैंने वीडियो में भी एक ही वीडियो में शायद दिखाया है कि जहाँ जहाँ पे मैं रुकता हूँ पेट्रोल यू नो रिफिल कराने के लिए, कितना अमाउंट का पेट्रोल मैंने डाला, कितना लीटर से कितना किलोमीटर मैंने किया, कुछ चेक में एवरेज और जगह का नाम। तो ये रहा कुछ एक फोटो उसका जहाँ पे मैंने हर एक स्टॉप पे मैंने ये यू नो लिखा है। तो अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो ऑब्वियसली बहुत बोरिंग हो जाएगा कि 1000 रुपये यहाँ पे भरवा मैंने, 840 रुपीज यहाँ पे, 350 वहाँ पे, तो कितने किलोमीटर्स पे है वो सब। तो मैं आपको डायरेक्टली एक अमाउंट बता देता हूँ। पेट्रोल कॉस्ट किया था मुझे 17,450 अप्रॉक्स टू 17,500। और अब आती है कि मुझे एवरेज कितनी दे रही थी मेरी बाइक। एज यू नो ऑब्वियसली इफ यू आर माय ओल्ड सब्सक्राइबर्स, तो मेरा ब्लॉक भी सिर्फ का प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मुझे जो एवरेज मिल रहा था वो था 25 to 26 के एवरेज मुझे मेरे बाइक पे मिल रहा था। बाकी लोग भी थे उनका इतना खर्चा नहीं हुआ जितना मेरा 17,000 तक, तो उनका 15 या 14,000 तक ही हुआ है, बट मेरा 25 का एवरेज था, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ 17,500 मेरा पेट्रोल का खर्चा हुआ। अब बात करते हैं कि जो हम लोग यू नो स्टे कर रहे थे पर डे का, होटल जो भी हम लोग लिए थे और रहने खाने पीने का खर्चा कैसा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक आइडिया भी बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आप भी ये आप ट्राई कर सकते हो आपके राइड्स पे। लाइक हम लोग 5-6 जन थे, तो हम लोग पर हेड 500 दिन का निकालते थे, उसमें किसी एक बंदे को देते थे, जैसे कि अभिषेक भाई लिए थे, अभी भाई को देके हम लोग भाई जो भी खर्चा रहेगा खाने पीने का आप पे करो, राइट। अब 500 हर एक से निकाल लो 500 500 500, और उसके बाद जहां पे भी खर्चा आपको जो खाना है कितना खाना है कोई लिमिट नहीं है, आप बिंदास खाइए, तो वो पैसा उसकी टीम में से जाएगा। तो वो हम लोग कर रहे थे और पर डे 500 एक्स्ट्रा और निकालते थे रूम्स के लिए, तो हम लोग जैसे बेसिकली 1000 इन अ डे हम लोग निकालते ही थे, बच जाता था तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे यूज करते थे।
और जब वो खत्म होता था अगेन फिर हम लोग हजार हजार रुपए सब लोग निकालते थे फॉर ब्रेकफास्ट लंच डिनर और रहने के लिए। तो ये सारी चीजें मिला के मैं अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं थी क्योंकि कहीं पे कम लग रहा था कहीं पे ज्यादा लग रहा था। एक एक दिन ऐसा था कि हम लोग पे करना नहीं पड़ा जब वी वेर इन फ्रॉम सोनमार्ग टू मनाली उस इसमें, तो उसका अप्रोक्स खर्चा था 11,000 रुपए। तो वो भी ऐड करने के बाद तो अभी हो जाता है 28,500। अब जो आती है बात जिस ग्लोबल कॉर्पोरेट टूर जो टूरिज्म से हम लोग गए थे उसका नाम है ग्लोबल कॉर्पोरेट टूर और उसका कॉस्ट हुआ था 20,000, आई मीन नॉट 20,000, 19,000 ठीक है पर हेड, क्योंकि हमारी बाइक्स थी जो भी खर्चा था वहां पे हमको करना पड़ता था। आई मीन अगर आप उनकी बाइक्स यूज करते जैसे चिराग भाई ने यूज किया था तो उसमें आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, कितना था वो तो मुझे फिलहाल याद नहीं है। और तो हम लोग का खर्चा जो था वो 19,000 पर हेड था इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डिनर, लंच नहीं ब्रेकफास्ट डिनर और रहने का, तो उनके थ्रू उनके तरफ से था। तो फ्रॉम सोनमार्ग टू मनाली तो जो भी उसमें खर्चा वो 19,000 इंक्लूडेड था। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लद्दाख कर रहे हो सो बेटर टू गो थ्रू कॉर्पोरेट टूर, मतलब कोई भी टूरिज्म के थ्रू जाइए। क्यों? बिकॉज आपको एम्बुलेंस साथ में रहता है, डॉक्टर साथ में रहते हैं, मैकेनिक साथ में रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम जैसे कि आपने देखा कि मेरे गाड़ी में भी कितने प्रॉब्लम्स हुए थे वाइल लद्दाख अभिनाम खारदुंगला, फिर अभी भाई के भी इसमें बहुत जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो मैकेनिक मिलते थे। अगर आप अकेले जा रहे हो या एक ग्रुप में भी जा रहे हो अगर आपके पास मैकेनिक नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ हो सकती है, वेट करना पड़ सकता है घंटा 3-4 घंटा की अगर कोई मिले आपको तो आपको हेल्प करे। तो मैं तो यही बोलूँगा अगर आपको सेफ राइड करना है तो बेटर ऐसे ही किसी टूर के थ्रू आप जाओ, ठीक है। 19,000 वो हो गया, तो टोटल अब कितना हो गया, टोटल मैं आपको बता दूँ 47,500 एक्सक्लूडिंग ऑल द शॉपिंग थिंग, शॉपिंग वॉपिंग तो आप अपने खुद के खर्चे से हो सकता है, ठीक है। तो ये खर्चा हुआ 47,500 रुपीज, ठीक है रिकॉर्डिंग चालू है ना तो 47,500 ये पूरा खर्चा था। अब इसमें शॉपिंग वॉपिंग भी ऐड करके तो ये ऑब्वियसली मेरा 55,000 तक एक मतलब चला गया है उसमें। अब बात करते हैं राहुल गुरव की जो बाइकर स्पॉट के ओनर है, वो जब लद्दाख गया था उसका खर्चा हुआ था कितना, टोटल मिला के 35,000 में उसका लद्दाख हो गया था। अब इतना सस्ता क्यों? देखिए हम लोग पांच जन थे तो हम लोग पांच लोगों के हिसाब से बाइक चलाते, लाइक मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ 700-800 किलोमीटर इन अ डे, लेकिन जो मेरे साथ में वो नहीं कर सकता है तो मुझे उनके हिसाब से रुकना पड़ता है। राहुल का कैसे था कि राहुल के साथ एक या दो जन ही थे तो लोग साथ में अच्छे खासा स्टे कर सकते थे, अभी अच्छा खासा स्ट्रेच कर सकते थे और जल्दी कवर कर सकते थे। तो उन लोगों का जहाँ पे मेरा 20 दिन लगा वहाँ पे उसको कुछ आई थिंक 14-15 डेज लगा, तो 5 दिन के जो खर्चे वो बच गए। ऊपर से राहुल ने कोई ये नहीं किया था आपका, कोई टूरिज्म के थ्रू गया नहीं था, तो उसका जो 20,000-19,000 अगर आप टूरिज्म के थ्रू नहीं जाते हो तो आपका खर्चा और कम हो जाता है, रहने का भी कम हो जाता है, खाने का भी कम हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए टूरिज्म भी प्रीफर करता हूँ बिकॉज देखो पैसा ज्यादा जाएगा चलेगा लेकिन सेफ्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कुछ हो जाएगा प्रॉब्लम गाड़ी में कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम आपको बहुत होने वाली खारदुंगला पे और उस जगह पे, क्योंकि आपके पहचान में ऑटो मिलने वाला है नहीं, इसलिए मैं टूरिज्म थोड़ा प्रीफर करता हूँ आपको। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूंगा। Okay, if you are not following me on Instagram, so please follow me on Instagram. Questions मुझे भी ऐसे आते हैं कि भाई मुझे भी आपके साथ ride करना है, मुझे आपकी riding style पसंद है, तो मैं ये चीज बोलूंगा please follow me on Instagram, एक बार Facebook पे नहीं करोगे तो चलेगा, बट Instagram में मैं regularly रहता हूँ, हर एक दो घंटे में तो मैं अपडेट कुछ ना कुछ डालते ही रहता हूँ स्टोरीज में, तो बेटर है कि आप Instagram पे प्लीज मुझे फॉलो करें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट राइड्स अपडेट है मैं आपको Instagram में बता सकूँ इजीली, बार बार ऐसा कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मुझे बहुत आता है लाइक मेरा हैंडल कौन सा है, सो सी हैंडल का प्रॉपर नाम तो मुझे पता नहीं है बट हायर रेंज हैंडल बोलते हैं। अगर आपको खरीदना है तो ये रहा वेबसाइट madwarbikes.com जो कि इसके स्पॉन्सर तो है नहीं बट फिर भी अब्बास का ये नया वेबसाइट है ये, तो आप भी वहां पे जाके आपको हैंडल खरीद सकते हो, कोई भी चीज आपको एसएसएस थ्रू चाहिए तो आप वहां पे जाके खरीद सकते हो। सो या आई थिंक ये यही तक था, खर्चा जो था मैंने आपको बता दिया और तो कुछ नहीं बस। हाँ बाय द वे जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ हमारे एरिया रसायनी में एक नया कैफे खुला जिसका नाम है कैफे स्क्वायर, जो कि फ्री में तो ऑब्वियसली कुछ दे नहीं रहे। सो यार थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।
पीस अब राइट्स होंगे। अच्छा अब राइट मतलब सीधा मैं राइट मैनिया करने वाला हूँ, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, मैं राइट मैनिया आ रहा हूँ मेरे पूरे गनस्लिंगर्स फैमिली के साथ। और बीच में कोई राइट्स तो है नहीं, रहेगा तो ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा वीडियो और इनको आपको अपडेट देता रहूंगा। तो या बाय द वे लैपटॉप स्टाइल के लिए बोला था, थैंक यू। और चीज था दो जगह मैंने सर्विसिंग करवाया था बाइक, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप जाते हो तो एक बार चेकअप भी करा सकते हो। तो सर्विसिंग का कॉस्ट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट आपको मैं दिखा दूँ, ये मैंने ये करवाया है आई थिंक राजस्थान में क्या फोटपुतली अपने मेरा बैक टू बैक वाला मेटर देगा डे 19 वाला, तो आप देख रहे ये राजस्थान में करवाया था जिसका कॉस्ट हुआ था 1600 रुपीज। तो इसमें एक चीज फायदा, एक और चीज बताऊंगा, आई डोंट नो वेदर ये सच में है या नहीं, अब अभी चलेगा मेरी सॉरी पता है ले चल थोड़ा मैसअप हो गया। अभी मैंने बताया था मुझे कि अगर आप राइडर्स हो और अगर आप यू नो क्रॉस कंट्री कर रहे हो, क्रॉस कंट्री मतलब स्टेट के बाहर से जा रहे हैं, तो लेबर चार्ज जो होता है वॉलंटियर के शुरू में वो नहीं लिया जाता है, ऐसा मुझे अभी मैंने बोला था, ऐसा हम लोगों ने भी किया है, हमें अमृतसर में नहीं लिया और जो कोर्ट पुतले वहाँ पे ऐसा लेबर चार्ज नहीं लिया। अब प्लीज इसको कोर्ट मत करना कि यहाँ जाके आप झगड़ा करो कि रॉजर ने बोला है कि यहाँ पे लेबर चार्ज नहीं लेता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कहीं पे शायद है नहीं है, अभी कुछ कन्फर्मेशन तो नहीं है, बट अभी भाई ने बोला है कि एज अ राइडर इफ यू ट्रैवलिंग सच अ लॉन्ग राइड तो आपको नहीं लेते हैं, अगर ऐसा है रॉयल एनफील्ड तो प्लीज बता दो, नहीं है तो फिर वो भी बता दो। सो यार थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी भैया फॉर मेसिंग अप अराउंड, आज दिखा दे शो को क्या हो गया यहां पे, दिस इज कॉल्ड सम काइंड ऑफ वियर्ड मूवमेंट, अभी क्या कर सकते हैं यार, मतलब पीआर में ठीक से इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मूवमेंट, एंबैरेसिंग मूवमेंट, अभी हूँ मैं नसीब से अभी फिलहाल कैफे अभी किया था टाइमिंग 4 बजे, तो हम लोगों ने फ़ोन करके बुलवाया था, वो नहीं किया, कोई है नहीं, अगर कोई रहता तो बहुत बेइज्जती हो जाती यार, करो बंद या।